शिक्षा मित्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। भीख नहीं सम्मान चाहिए, शिक्षक पूरा नाम चाहिए। भीख नहीं सम्मान चाहिए, शिक्षक पूरा नाम चाहिए। जो हमसे टकराएगा सूबे की सरकार ने शिक्षा मित्रों के मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि जिन लोगों को 10,000 रुपया मानदेय मंजूर हो वो लोग अपने काम पर लौट सकते हैं, लेकिन इन शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपया मानदेय स्वीकार नहीं है। ये लोग अपना पद और अपनी पुरानी तनख्वाह की बहाली की मांग पर अड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री जी को ये बताते कि बताइए हम लोगों का मानदेय 10,000 रुपए किया गया है, जबकि हमें पूर्ण अध्यापक बनाया गया था। हमने आखिर कौन सा ऐसा पाप कर डाला कि हमें पुनः सहायक अध्यापक पद पे, हमें शिक्षा मित्र के पद पे लौटाया जा रहा है। और हम ये बात अब जाकर के माननीय प्रधानमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो हमारे साथ किया है उनको बताएंगे और अपनी दिल की बात उनसे बताएंगे। और हमें विश्वास है कि माननीय बनारस जाएंगे हम और माननीय प्रधानमंत्री जी को अपनी बात बताएंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारी बात को सुनेंगे और हमें मदद करेंगे। बनारस में कल प्रधानमंत्री की रैली होनी है और इस रैली में शिक्षा मित्र न पहुँच सके इसके लिए इन पर नजर रखी जा रही है। और जब ये लोग एक जगह इकट्ठा हुए तो पुलिस ने इनको घेर लिया, जबकि ये लोग प्रधानमंत्री की सभा में जाने की बात कर रहे हैं। पढ़ने आते हैं टेट की तैयारी करने के लिए और देख लीजिए योगी सरकार की गुंडागर्दी कि हम लोगों को पढ़ाई के समय पे गिरफ्तार करने के लिए आए और हम लोग बनारस के लिए कूच करेंगे और प्रशासन हमें रोक नहीं पाएगा। और ये हम ऐलान करते हैं मोदी जी से, कल हम लोग सभा में जाएंगे और मोदी जी से अपनी बात को बताएंगे। अब देखना ये होगा कि अपने पद की बहाली के लिए लड़ाई लड़ रहे इन शिक्षा मित्रों को सरकार कब और कैसे समायोजित करती है। हमीरपुर से इरशाद रिजवी, न्यूज 75.in।